UFC 300. Dana White को ऑयल अप करने के साथ साथ दुनिया के सारे एम ए फैंस यही सवाल पूछ रहे हैं कि UFC 300 का मेन इवेंट क्या होने वाला है लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि UFC 300 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इतना स्पेशल क्यों है उसका आंसर है कि UFC का हर हंड्रेड इवेंट ऑलमोस्ट सेवन ईयर्स के गैप पर आता है फॉर एक्साम्पल यू एफ हंड्रेड हुआ था इलेवन जुलाई टू थाउजेंड नाइन में वेर एज यू एफ सी टू हंड्रेड थ जुलाई ट्वेंटी और अब यू एफ सी थ्री हंड्रेड होने वाला है ऑलमोस्ट एट ईयर के गैप पेडरिंग द कोविड अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो की लकली मेरा बर्थडे भी है सो प्लीज सेंड मी गिफ्ट ट्रेडिशनली फैंस एक्सपेक्ट करते हैं की यूएफसी का हर हंड्रेड इवेंट एक रेगुलर कार्ड नहीं बल्कि एक सुपर कार्डसी हंड्रेड में ब्रॉकलेसनर फ्रेंकमीर

हेट की वजह से फैंस इस फाइट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे अर्लियर दैट ईयर एट यूएफसी 196, एमए वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपसेट्स में नेट डियाज ने कॉनर मग्रेगर को हराकर सबको सरप्राइज कर दिया था इसीलिए डेना वाइट ने नेट वर्सेस कॉनर टू की ये हाईली एंटिसिपेटेड फाइट यूएफसी 200 के लिए बुक की लेकिन जो उसके बाद हुआ दैट वाज डेनाज वर्स्ट नाइटमेयर एवर जॉन जोन यूसारा के डोप टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं और कॉनम अग्रेगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नो no शो की वजह से यू काफी गुस्सा हो जाती है और फिर ये दोनों UFC 200 से हो जाती है कैंसिल कैंसिलेड के रेपुटेशन को बचाने के लिए लास्ट मिनट ब्रॉक लेसनर को स्कार्ड पर लाया गया वर्सेज मार्क हंट और मीशा टेड के टाइटल फाइट को बना दिया जाता है इस कार्ड का मेन इवेंट बट इट वॉज टू लेट एंड द डैमेज ऑलरेडी डन इसीलिए जब यू एफ सी थ्री हंड्रेड नजदीक आने लगा तो डेना वाइट

इस फाइट के अनाउंसमेंट काफी वीक से टीज कर रहे हैं फैंस का पेशेंस भी अब ऑयलिंग आई मीन बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है मेन इवेंट को लेकर काफी फैन थ्योरीज और काफी रूमर्स चल रहे हैं थ्री मेन थ्योरीज जो कि अभी तक कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट कर रही हैं नंबर वन खबीब कमिंग आउट ऑफ द रिटायरमेंट फॉर यूएफसी 300 सी थ्री ये र्यूमर की शुरुआत होती है चार से खबीब के साथ अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर उनको टैग करते हुए लिखते हैं एट यू एफ फैंस को लगा जैसे की ये कोई क्रिप्टिक हिडन क्लू है फिर खबीब के कोच हावियर मेंडस का एक क्लिप वायरल होता है जिसमे की वो कहते हैं कि खबीब इस ट्रेनिंग विम और ट्रेडिशनली खबीब उनके साथ ट्रेन

खबीब ने ये पोस्ट करते हुए इसे पहले ही फुस कर दिया डैनियल कॉर्मी ने तो यहां तक कह दिया कि खबीब ने 40 मिलियन डॉलर के कम ऑफर को रिजेक्ट कर दिया नंबर टू कॉनमेगर इज बैक अगेन कॉना मैग्रेगर ने अपने पहले ही दिन अपनी नेक्स्ट फाइट चैंडलर के साथ फॉर द इंटरनेशनल फाइट वीक ऑन ट्वेंटी जून अनाउंस कर रखी बट एंड ट्रू टू हिज कॉर्नर नेचर ये ट्वीट करके अपना नाम भी इस कॉन्वर्सेशन में एड कर लेते हैं माइक चैंडलर जो की आजकल कॉनर के ट्वीट का हर दिन वेट करते हैं वो इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करके उनको प्रॉम्प्टली ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं ऐसा लगता है जैसे फाइट ट्विटर पर ही डन डील हो गई है

2027 2027। 2027। के लिए सेल्फ रिटायरमेंट ले 2024 I'll I'll see you there. लेकिन कुछ दिन पहले फिर वो ये अनाउंसमेंट आई मीन खुद उनके अनाउंसमेंट पर बिलीव करके फैंस ने क्या गलत किया तो फैंस को अननेसरी फ्लेम करना क्यों सान्या के मैदान में आते ही him versus DDP became the talk of the town as a title fight. DDP पहले भी UFC 300 में fight करने को लेकर हाँ कह चुके हैं, so anything can happen. Alex Pereira जिनके साथ Izzy का MMA में one one record है, उनकी trilogy fight भी इस rumor में शामिल हो चुकी है. Really excited about this fight क्योंकि इस fight में वो main event caliber है, जिसमें कि दो world class fighters हैं, उनके पीछे एक backstory है. और फाइट एक्साइटिंग होने की गारंटी है सो so आपको क्या लगता है किस र्यूमर में है सबसे ज्यादा दम किस फाइट को होना चाहिए यूएफसी 300 की मेन इवेंट फाइट आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इसलिए मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना थैंक यू फॉर वॉचिंग